अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आई एम डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह एंड दिस इज प्रैक्टिस टेस्ट फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1। बट बिफोर वी प्रोसीड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स एज गुरु दक्षिणा। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इज फीडबैक इन न्यूज़पेपर्स कम्युनिकेशन? ए आर्टिकल्स, बी एडिटोरियल्स, सी लेटर्स टू द एडिटर या डी न्यूज। करेक्ट आंसर इज सी, लेटर्स टू द एडिटर, बिकॉज फीडबैक मीन्स इफ यू से और राइट समथिंग एंड यू गेट सम रिस्पॉन्स। सो फीडबैक मीन्स रिस्पॉन्स। तो जब हम न्यूज पेपर में आर्टिकल्स लिखते हैं, सो आर्टिकल्स आर रिटन बाय द जर्नलिस्ट, सो इट्स नॉट अ रिस्पॉन्स। एडिटोरियल्स आर रिटन बाय एडिटर, इट्स ऑल्सो नॉट अ रिस्पॉन्स। बट लेटर्स टू द एडिटर, दोज आर रिटन बाय कॉमन पीपल हु रीड द न्यूज पेपर एंड राइट टू द एडिटर। सो दिस इज रिस्पॉन्स, दिस इज फीडबैक। एंड न्यूज इज ऑफकोर्स नॉट अ रिस्पॉन्स, न्यूज इज राइट रिटन बाय जर्नलिस्ट अगेन। तो अखबार में न्यूज पेपर की कम्युनिकेशन में फीडबैक क्या होता है? फीडबैक का मतलब होता है फीडबैक, रिस्पॉन्स, वापस देना। तो जो आर्टिकल्स होते हैं वो जर्नलिस्ट लिखते हैं, एडिटोरियल्स जो होते हैं वो न्यूज़पेपर का एडिटर लिखते हैं। लेकिन जो लेटर्स टू द एडिटर होता है, वो जो न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले हैं, जो अखबार पढ़ते हैं, वो लोग चिट्ठियां लिखते हैं एडिटर को, तो वो होता है जनता का रिस्पॉन्स, वो होता है फीडबैक। तो सी इज द करेक्ट आंसर। और डी है न्यूज, न्यूज तो मतलब खबर, खबर तो फिर जर्नलिस्ट लिखते हैं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, रिस्पॉन्स होता है लेटर्स टू द एडिटर, ठीक है, फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं है? वन हु प्रेजेंट्स मटीरियल इन अ प्रिसाइज एंड क्लियर वे, ये तो है, जो भी इंसान अपने मटीरियल को बहुत ही साफ साफ समझाता है वो तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होता है। वन हु इज एबल टू अडॉप्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेटी, कि जो सामने वाले कम्युनिकेटी, जिसको कम्युनिकेट किया जा रहा है, उसकी भाषा के हिसाब से अपनी भाषा को ढाल ले, तो वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कम्युनिकेटर है। सी वन हु नोज अ लॉट बट इज समवट रिजर्व इन हिज और हर एटीट्यूड, क्लियरली द पर्सन हु इज रिजर्व विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट वेल। तो जो पर्सन रिजर्व होगा, अपने आप में सीमित होगा, चांसेस है कि वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर सक्सेसफुल कम्युनिकेटर नहीं होगा और ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो सी सही उत्तर है। डी वन हु समटाइम्स बिकम्स इनफॉर्मल बिफोर द रिसीवर एंड डेवलप्स रैपोर्ट, तो रिसीवर मतलब वो होता है जिसको कि आप समझा रहे हैं, जैसे टीचर है तो टीचर जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं और स्टूडेंट जो है वो रिसीवर है, तो कभी कभी टीचर थोड़ा इनफॉर्मल हो जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं ताकि स्टूडेंट के साथ तालमेल बैठ सके, तो वो तो अच्छा कम्युनिकेटर होगा। अच्छा कम्युनिकेटर कौन नहीं होगा, यही नहीं होगा। वन हु नोज अ लॉट बट इज समवट रिजर्व्ड इन हिज और हर एटीट्यूड। ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज लिसनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय मेकिंग द अटेंशन फुली पेड। यस, हियर पेड डजंट मीन मनी, हियर पेड मीन्स स्टूडेंट्स आर पेइंग अटेंशन। ओके, अटेंशन इज बीइंग पेड। ओके, मेकिंग द कम्युनिकेशन मटीरियल नॉवल, इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड। करेक्ट, इफ योर कम्युनिकेशन मटीरियल इज न्यू एंड इट्स इंटरेस्टिंग एंड इट्स बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द पर्सन हु इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू, then that becomes an effective communication. Making voice effective and impressive, of course, voice has an important role in communication. So D, all of the above. तो यहाँ पर सवाल है कि सबसे important aspect communication का है listening, और listening को कैसे बढ़ाया जा सकता है? Making the attention fully paid, मतलब कि आपको सामने वाले का attention पूरा आप grasp कर लें। Making communication material novel, interesting and need based, मतलब कि जो communication material है, जो भी वो novel है, वो unique हो, उसको इंटरेस्टिंग तरीके से आप पेश करें, और जैसा सामने वाले की जरूरत है उस हिसाब से आप उसको बताएं, तो उससे भी सामने वाला ध्यान से सुनेगा आपकी बात, और आप अपनी वॉइस को इंप्रेसिव करें तो उससे भी सामने वाला आपकी बात ध्यान से सुनेगा। तो डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज एनहांस्ड थ्रू, कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे इनहांस किया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है? बिलोंगिंगनेस, अपनापन, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, लेट द अदर पर्सन मेक देयर ओन चॉइसेस, सामने वाले को अपनी बात कहने का चुनने का अधिकार दीजिए। इन्फॉर्मेशन ऑफ मीटिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ प्रेशर, मीटिंग के बारे में आप इन्फॉर्मेशन दीजिए क्या कब मिलना है, और प्रेशर अवॉइड कीजिए, आराम आराम से काम हो, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। तो डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही सही है। डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, टू वे कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव नेवर, ऑलवेज, रेयरली या डी, नॉन ऑफ द अबव।
करेक्ट आंसर इज ऑलवेज टू वे कम्युनिकेशन का मतलब कि विचारों का आदान और प्रदान, मतलब टीचर और स्टूडेंट अगर कम्युनिकेट करें तो टीचर भी कुछ कह रहे हैं और स्टूडेंट भी अपनी बात रख रहे हैं और वो हमेशा इफेक्टिव होता है. टू वेज कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट्स और टीचर्स और द कम्युनिकेटर एंड लिसनर्स, इट्स ऑलवेज इफेक्टिव. सो बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इनमें से कौन सा है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे कम जरूरी है? ए टोटल कंट्रोल ओवर लैंग्वेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. गुड वोकैबुलरी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ऑफ द स्पीकर एंड टोटल कंट्रोल ऑन द कंटेंट टू बी ट्रांसलेटेड. सो क्लियरली अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ऑफ द स्पीकर इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट. इट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट ऑलवेज. इट इज लेस इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ आई कम्युनिकेट वेरी इफेक्टिवली, आई एम कम्युनिकेटिंग थ्रू द स्क्रीन एंड यू आर नॉट एबल टू यू नॉट एवल एबल टू इवन सी माई फेस. बट इफ यू लाइक माई वॉइस, इफ यू लाइक द कंटेंट दैट आई एम डिलीवरिंग, then I'm still an effective communicator. So my attractive personality has got nothing to do here. ठीक है, तो इसमें सवाल है कि इसमें से कौन सा कम जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए. तो टोटल कंट्रोल ओवर लैंग्वेज, भाषा पर आपकी पकड़, आपका शब्दकोश जरूरी है. टोटल कंट्रोल ऑन द कंटेंट टू बी ट्रांसलेटेड, आप क्या कह रहे हैं उसके बारे में आपकी जानकारी जरूरी है. ये सभी जरूरी है लेकिन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, सुंदर व्यक्तित्व जरूरी नहीं होता है उतना. ठीक है, सी सही उत्तर है. क्वेश्चन नंबर 7, अ गुड कम्युनिकेटर इज वन हु ऑफर्स हिज और हर ऑडियंस ए प्लेंटीफुल इंफॉर्मेशन, बी गुड अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सी कंसाइज प्रूफ, ए डी रेपिटेशन ऑफ फैक्ट्स. द करेक्ट आंसर इज ए प्लेंटीफुल इंफॉर्मेशन. एक अच्छा वक्ता वो होता है जो अपनी ऑडियंस को सबसे ज्यादा जानकारी दे पाता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. ए कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस, कम्युनिकेटर शुड हैव टॉलरेंस पावर, कम्युनिकेटर शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, या कम्युनिकेटर शुड हैव गुड पर्सनैलिटी. सो आई सी दैट नन ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर फॉल्स बट वी हैव टू चूज ओनली वंस. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस, दैट इज कम्युनिकेटर शुड बी एबल टू सेंस, टू सी, टू हियर, टू लिसन एंड टू जज हिज और हर ऑडियंस. सो द फाइन सेंसेस ऑफ कम्युनिकेटर इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू हैव फाइन सेंसेस यू कैन जज योर ऑडियंस एंड alter your communication effectively to make it more effective. Okay? तो ये सभी सही है. कम्युनिकेटर को फाइन सेंस होना चाहिए, कम्युनिकेटर को टॉलरेंस पावर होना चाहिए, कम्युनिकेटर को सॉफ्ट स्पोकन भी होना चाहिए कभी कभी, और कम्युनिकेटर की पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए. लेकिन हमको सिर्फ एक ही चुनना है. तो सबसे सही उत्तर है कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस. फाइन सेंसेस का मतलब कि कम्युनिकेटर की सुनने की शक्ति, कम्युनिकेटर के बोलने की शक्ति, कम्युनिकेटर की देखने की शक्ति, उसकी समझ की शक्ति, ये सभी कुछ बहुत फाइन होना चाहिए, बहुत बारीक होना चाहिए ताकि अपने जो ऑडियंस है उसको कम्युनिकेटर देख सके और फिर उस हिसाब से अपने कम्युनिकेशन को एडजस्ट कर सके. तो कम्युनिकेटर का फाइन सेंस होना जरूरी है कि अगर फाइन सेंस नहीं होगा तो आप बोलते जाते हैं और सामने वाला आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा. सो ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर व्हाट? चेंज इन स्पीच पैटर्न, अप्रोप्रिएट जेस्चर्स, मास्टरी ऑफ कंटेंट, हैंडसम पर्सनैलिटी. अगेन द सेम क्वेश्चन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या नहीं चाहिए? चेंज इन स्पीच पैटर्न चाहिए, अप्रोप्रिएट जेस्चर, हाथ के हाव भाव चाहिए, मास्टरी ऑफ कंटेंट, जो आप कह रहे हैं उस पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए, हैंडसम पर्सनैलिटी, सुंदर व्यक्तित्व, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सो डी इज द करेक्ट आंसर. हैंडसम पर्सनैलिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. क्वेश्चन नंबर 10, वन विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ वन ए इज अ ह्यूमरस स्पीकर, हैज हिस्ट्रियोनिक histrionic talents, is very clear about what one communicates in one's mother tongue. Most important, is very clear about what one's communicate. Effective communicator doesn't need to be a humorous speaker always. He or she doesn't need to have miraculous talents, and he or she doesn't need to always speak in his mother tongue. If the communicator is very clear about what he or she is communicating, that person is going to be an effective communicator. So effective communicator मतलब अच्छा वक्ता या अच्छा विचारों को रखने वाला जो है उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होनी चाहिए? कि वो हंसी मजाक करे जरूरी नहीं है, उसकी हिस्ट्रियोनिक टैलेंट्स हो, कि बहुत टैलेंटेड हो वो भी जरूरी नहीं है, या फिर अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में कम्युनिकेट करे वो भी जरूरी नहीं है. जरूरी है कि वो जो कह रहा है या कह रही है उसका बहुत ही क्लियर आइडिया उनको खुद हो, क्योंकि हम अगर खुद में बहुत क्लियर हैं तो शायद हम सामने वाले को भी बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं. सो एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इज वन who is very clear about what one communicates. Okay, C is the correct answer. आशा है आज जो हमने डिस्कस किया
वो आपको समझ में आ गया होगा. इन केस यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. लेट्स सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट. थैंक यू.